हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पांच फोरन, जो कि काफ़ी फेमस एक मसाला है, खड़ा मसाला है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शेयर करने से पहले, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करें रेसिपी। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक सूखे सा डब्बा ले लिया है, उसमें हम सबसे पहले कलौंजी डालेंगे। तो एक स्पून मैंने लिया है, इसी से हमें बराबर मात्रा में सारे खड़े मसाले डालने हैं। तो जितना ही हमने कलौंजी डाला है एक स्पून के आसपास, उसी के हिसाब से हमें अब हम अजवाइन डालेंगे। इसके बाद उतना ही मात्रा में हमें सौंफ भी डालना है। और उतना ही मात्रा में हमें सेम उसी स्पून से हमें मेथी दाना भी डाल देना है। और फिर उसी स्पून से हमें उतना ही मात्रा में, जितना मात्रा में सारे मसाले हमने डाला है उसी हिसाब से हमें सरसों मस्टर्ड सीड्स डाल लेनी है। तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने पांच खड़े मसाले डाले हैं। सारे मसाले हमने, पांच खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम स्पून से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने सूखे से डब्बे में तैयार किया है ताकि इसे हम एयर टाइट भी करके रख सके। तो इस तरह सारे मसाले हमने मिला लिया है और बिल्कुल ये तैयार हो गई हमारी पांच फोरन। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पांच फोरन खड़े मसाले हैं, बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह से पांच फोरन बनाई जाती है, पांच अलग अलग मसालों को मिलाकर ये पांच फोरन बनाई जाती है। ये बिहार, बंगाल और झारखंड की काफ़ी फेमस मसाला है। इसके बिना सब्जी ऑलमोस्ट अधूरी रहती है, खास करके मछली और कई अन्य विशेष सब्जियों में। इस पांच फोरन को घर पर बनाएं और सब्जियों का जायका बढ़ाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और